आज हम बात करेंगे विश्व के प्राचीन सात अजूबों में शामिल मिस्र के पिरामिडों के बारे में। मिस्र के बारे में रोचक तथ्य हम पहले ही बता चुके हैं। ये पिरामिड राजाओं को दफनाने के लिए बनाने गए थे। क्या आप जानते हैं गिजा के महान पिरामिड का वजन 5.5 अरब किलो है। चलिए आज वास्तुशिल्प के इस अचंभे को डिटेल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको मिस्र के पिरामिडों के कुछ ऐसे रोचक तथ्य बताएंगे जो शायद ही आप जानते होंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। स्वागत है आपका कोइन मीडिया की नई वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। 1. पिरामिड का फर्श चकोर होता है लेकिन ऊपरी भाग त्रिकोण या नोकदार होती है। इनकी ऊंचाई लगभग 400 से 500 फीट होती है और इनकी दीवारें ढालू होती है। 2. सभी पिरामिड नील नदी के पश्चिमी तट पर बनाए गए हैं। 3. पिरामिड बनाने में 1,00,000 मजदूर लगे थे और ये किसी के गुलाम नहीं थे बल्कि हर रोज अपना वेतन लेते थे। 4. एक अनुमान के अनुसार गिजा के पिरामिड को बनाने में 23,00,000 पत्थर के टुकड़ों का इस्तेमाल हुआ है जिनका वजन 2 से 30 टन और कुछ का वजन 45,000 किलो तक था। 5. औसतन एक पिरामिड को बनाने में 200 साल और गिजा के ग्रेट पिरामिड को बनाने में 85 साल लगे। इसका मतलब एक समय पर सिर्फ एक नहीं बल्कि कई पिरामिड बनाए जाते थे। 6. इस बात का सही अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन गिजा के पिरामिड को बनाने में लगभग 5.5 अरब किलो 60,00,000 टन सामग्री लगी है जो इंग्लैंड की सभी चर्च और गिरजाघरों को बनाने के बराबर है। 7. पूरी दुनिया में कितने पिरामिड हैं? ये कहना तो मुश्किल है लेकिन मिस्र में अभी तक 140 पिरामिड खोजे जा चुके हैं। 8. ऐसा माना जाता है कि धरती पर पिरामिड जैसा पहला ढांचा आज से 5,000 साल पहले मेसोपोटामियंस द्वारा बनाया गया था। 9. दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड मिस्र में नहीं बल्कि मैक्सिको में है जिसका बेस 1,480 फीट का है। 10. गिजा का ग्रेट पिरामिड विश्व के प्राचीन सात अजूबों में सबसे पुराना और अकेला ऐसा है जो अभी भी अस्तित्व में है। 11. मिस्र के पिरामिडों की उम्र 4,500 साल हो चुकी है लेकिन ये अभी भी सही सलामत है। इनके अभी तक बचे रहने का एक कारण इनमें प्रयोग किया गया मोटा पत्थर भी है जो आम पत्थर से मजबूत होता है। 12. जोजर के पिरामिड को मिस्र का सबसे पुराना पिरामिड माना गया है जो 27वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान साक्कारा नेक्रोपोलिस में बनाया गया था। 13. कुबू का पिरामिड जिसे गिजा का ग्रेट पिरामिड भी कहा जाता है अब तक का सबसे ऊंचा पिरामिड है जिसकी असली ऊंचाई 480.6 फीट थी जो ऊपर से 25 फीट ढह जाने के बाद अब 455.4 फीट रह गई है। ये लगभग 3,871 साल तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत रहा लेकिन 1311 में इंग्लैंड ने लोगों ने 524 फीट ऊंचा गिरिजाघर बनाकर ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये गिरिजाघर आज भी दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा गिरिजाघर है। 14. गिजा के ग्रेट पिरामिड को महान स्फिंक्स द्वारा गार्ड किया गया है। ये दुनिया में पत्थर की सबसे बड़ी मूर्ति भी है और ऐसा माना जाता है कि ये कैफ्रा राजा का चेहरा है। 15. ग्रेट पिरामिड धरती का वो सबसे सटीक ढांचा है जो उत्तर दिशा को बताता है। मिस्र के लोगों ने केवल ज्योतिष की मदद से हजारों साल पहले ऐसा कर दिखाया था। पिरामिड के आगे का भाग उत्तर दिशा में केवल 3/60 डिग्री गलत है और यह भी इसलिए संभव हुआ है क्योंकि समय के साथ धरती का नॉर्थ पोल बदल जाता है इसलिए एक समय पर पिरामिड अपने जगह एकदम सही था। 16. गिजा के महान पिरामिड की 8 साइड्स है लेकिन ये सिर्फ आसमान से दिखाई देती है। 17. ग्रेट पिरामिड की साइड्स थोड़ी सी कॉनकेव लेंस की तरह है। ये एकमात्र ऐसा पिरामिड है जिसमें ये सुविधा है। 18. गिजा के ग्रेट पिरामिड और अन्य दो पिरामिडों में कुछ नकली और एक असली दरवाजा था। ये दरवाजा इतने गजब तरीके से बनाया गया था कि 18,000 किलो वजन होने के बाद भी यह एक धक्के में खुल जाता है। 19. इसे संयोग ही मानिएगा कि लाइट की स्पीड और गिजा के ग्रेट पिरामिड का निर्देशांक दोनों समान है। 20. तीन पिरामिड खुफू कैफ्रर और मेनकोरी उन्हीं तारों की दिशा में है जो ओरियन बेल्ट के नक्षत्र बनाते हैं। 21. पिरामिड के फायदे भी है। इसे पिरामिड का जादुई प्रभाव ही कहेंगे कि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी होने के बाद भी पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। 22. आज से 4,000 साल पहले पिरामिड शीशे की तरह चमकते थे क्योंकि इन्हें पॉलिश किए गए सफेद चूना पत्थर से कवर किया गया था। ये सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते थे और इजराइल की पहाड़ियों से भी दिखाई देते थे और हो सकता है चांद से भी। 23. सबसे अधिक पिरामिड मिस्र में नहीं बल्कि सूडान में है। 24. 12th सेंचुरी में कुर्दिश राजा अल अजीज और मिस्र के दूसरे अयुबिद सुल्तान ने गिजा पिरामिड को नष्ट करने की कोशिश की थी लेकिन वो थोड़े ही सफल हो पाए क्योंकि पिरामिड बहुत बड़ा था। 25. आप पिरामिड के ऊपर भी चढ़ सकते हैं
लेकिन सिर्फ एक बार, क्योंकि यदि कोई टूरिस्ट ऐसा करता है तो जीवन भर उसके मिस्र आने पर बैन लग जाता है। इसके ऊपर चढ़ने के लिए आपको 203 सीढ़ियां चढ़नी होगी।